नाबालिग से दुष्कर्म के करीब 6 साल पुराने मामले में न्यायालय पॉक्सो कर्म संख्या 2 ने आरोपी दो भाइयों को शेष जीवन काल तक कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ दोनों आरोपी पर 56,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर 2014 को विज्ञान नगर थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उनकी पुत्री सुबह 10 बजे घर से बिना बताए कहीं गायब हो गई। परिजनों ने जितेंद्र कुमार और धीरज पर शक जाहिर किया था। जितेंद्र दूर के रिश्ते में पीड़िता का जीजा लगता है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। इस पर आरोपी पीड़िता को बुरखा पहनाकर कहीं ले जा रहे थे तो रास्ते में पीड़िता की मां की नजर पड़ गई। पीड़िता की मां किशोरी को लेकर विज्ञान नगर थाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि वह जितेंद्र के कहने पर एयरड्रम पहुंची थी, जहां आरोपियों की मां भवरी बाई पहले से ही मौजूद थी। वहां उन्होंने लड़की को पोए खिलाए और पानी पिलाया। इसके बाद इसको सहारनपुर ले गए और 10 दिन तक इसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की मां भवरी देवी को मामले में षड्यंत्र रचने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों मां बेटों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। घटना के बाद आरोपी धीरज फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाह कराए गए। अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए शेष जीवन काल तक कारावास की सजा सुनाई है और 56,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया, जबकि मामले में शामिल आरोपियों की मां भवरी देवी को दोषमुक्त करार दिया गया।